अरे शीघ्र करो, प्रतीत होता वर्षा होने वाली है। सेठ जी, बस थोड़े ही समय में हम गोकुल के अंदर हो गए। चलो। मुझे आभास हो रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। नहीं सेठ जी, यहां तो कोई नहीं है। चलो। सेठ जी, ऐसा लग रहा है जैसे पर्वत हमारा पीछा कर रहा है। अरे पर्वत भी कभी किसी का पीछा करते हैं। अरे ये पर्वत तो वास्तव में अपार आ रहा है। इतने सारे आम। काना, तुम हम सबके लिए आम लाए हो। धन्यवाद मित्र। अरे वाह काना, इसमें से तो बड़ी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। ये तो बहुत रसीले आम लग रहे हैं। हाँ हाँ मित्रों, जी भर कर आम खाओ, किंतु इन आमों की गुठलियाँ फेंकना नहीं, अपितु मुझे दे देना। कान्हा, तुम गुठलियों का क्या करोगे? दाऊ, इन आमों में से किसी एक काम की गुठली सोने की है। देखो मित्रों, मैंने पहले ही बता दिया है, यदि किसी को भी वो सोने की गुठली मिले तो मुझे दे देना। की गुठली नहीं है। कृष्णा, फिर सोने की गुठली वाला आम कहाँ है? किसी भी आम की गुठली सोने की नहीं थी। काना, तुमने हम सबके साथ उपहास किया। कृष्णा, सोने की गुठली खोजने के कारण हम ठीक से आम का स्वाद भी नहीं ले पाए। तुम्हारे लाए हुए आम हमारे किसी काम के नहीं आए। मैंने कब मना किया मित्रों कि तुम आम का स्वाद मत लेना, किंतु तुम सब आम का स्वाद लेने के स्थान पर सोने की गुठली ढूंढने लगे। स्मरण रहे मित्रों, लोभी व्यक्ति जीवन में कोई सुख नहीं ले सकता। लोभ करना बहुत बुरी बात है। इसके कारण कभी कभी हम अपने साथ साथ अपनों को भी कठिनाइयों में डाल देते हैं। अब से कभी लोभ मत करना मित्रों। कान्हा, आज तुम सबको लोभ ना करने के बारे में क्यों बता रहे हो? बेचारे ठीक से आम भी नहीं खा पाए। दाऊ, इन सबको चेतावनी देना आवश्यक है, क्योंकि ये सब मेरे प्रिय मित्र हैं, किंतु भविष्य में ये जो कर्म करेंगे उसी का फल उन्हें भुगतना होगा। अब हम कभी लोभ नहीं करेंगे।